एक गांव में एक बूढ़ा चोर हुआ करता था। उसका नाम चोपड़ा था। एक बार जेल में कैदी अपना काम कर रहे थे। इतने में जेलर वहां पर आकर, रे चोपड़ा, कल ही तुम रिहा हो रहे हो, सुबह के 6 बजे तक लगेज के साथ तैयार रहना, कहा। बस चोपड़ा रोने लगा। ये अन्याय है सर, आकर 2 महीने भी नहीं हुए, इतनी जल्दी रिहा क्यों कर रहे हो? जज साहब ने 6 महीने की सजा दी है ना, आपको इतनी जल्दी क्यों है सर? कहा पुलिस, जल्दी हमें नहीं, तुम्हारे बेटे शुभम को है। मेरे पिताजी की उम्र बढ़ गई है, कृपा करके मेरे पिताजी पे दया दिखाकर उन्हें छोड़ दो, कहकर उसने सरकार को अर्जी लिखा है, जाकर उससे पूछो, कहकर गुस्से से चला गया। चोपड़ा तब, उस कमीने को कोई काम धंधा नहीं है, मेरी पत्नी भी वैसी ही है, दोनों हरदम मुझ पे रोते रहते हैं, मेरी खुशी उनसे देखा नहीं जाता। दोस्तों, आपको छोड़कर जाने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, बाहर जाकर फिर से कोई ना कोई जुर्म करके अंदर आऊंगा, तब तक मेरे लिए इंतजार करते रहना, अलविदा, कहकर रोते हुए चला गया। चोपड़ा का बेटा शुभम और उसकी माँ दोनों मिलकर एक ढाबा चलाते हुए जीते थे। रिहा होने के बाद चोपड़ा वहाँ पर आकर अपने पत्नी और बेटे को खूब डांटने लगा। तुम्हें अकल नहीं है क्या? मुझसे आपको क्या काम है? ढाबा चलाते हुए अच्छे से जी रहे हो ना, अब मैं कहाँ रहूँ तो तुम्हें क्या? कहा पत्नी तब, ये शादी के लायक हो गया है, इसके पिता जेल में है बोले तो कोई इसे अपनी लड़की देगा क्या? इसकी शादी होने तक रुकिए, उसके बाद चाहे तो मुझे मार के जिंदगी भर जेल में रहिए। बोली चोपड़ा तब, मजाक उड़ाना बंद करो री, तुम्हारे खाना से बचने के लिए ही मैं जेल में रह रहा हूँ, वहाँ के खाने के आगे 5-स्टार होटल का खाना भी फीका पड़ जाएगा, जेल में रहने का मजा ही कुछ और है री, जेल में दोस्तों का प्यार, ममता भरी बातें बाहर कहीं पर नहीं मिलेगा री, तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा, जल्दी इसकी शादी कर दो, मैं ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता, रे मेरे लिए एक अच्छी सी खैदी की ड्रेस सिलवाए तो ही मैं यहाँ रहूंगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ऐसे वो खैदी की ड्रेस पहनकर गांव में घूमने लगा। वो आए दिन पत्नी और बेटे से शादी कब है कहकर उन्हें सताने लगा। जेल का टाइम टेबल आदत पड़ने के कारण सुबह सुबह ढाबा के सामने के पौधों को पानी देने लगा। पत्थर लाकर उन्हें हथौड़े से मारने लगा। और वो खैदी के जैसे अपने बेटे के साथ लाइन में खड़ा होता तो उसकी पत्नी प्लेट में खाना डालती थी। थोड़े दिनों के बाद वो बहुत डिप्रेशन में चला गया और उसने खाट पकड़ ली। जेल, 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 कहकर जेल को याद करने लगा। ये देखकर शुभम और उसकी माँ घबराने लगे। एक बार शुभम राशन के सामान ला रहा था, गांव के बाहर एक पुराना जेल दिखाई दिया। उस जेल को देखकर उसे एक उपाय सुझा। वो तुरंत अपने जमा किए पैसों से एक जेल रेस्टोरेंट को खोला। वो और उसकी माँ दोनों खैदी की ड्रेस पहनकर अपने पिता को वहाँ पर लेकर आए। वहाँ गांव वाले भी होटल ओपनिंग के लिए इंतजार कर रहे थे। पिता तब, आहा, ये क्या है रे, अपने गांव में इतना बड़ा जेल कब बनाए रे, देखने के लिए तो दोनों आंखें बस नहीं हो रही हैं। तुम दोनों को भी ये ड्रेस बहुत अच्छे से जचा रे, आहा, ये ख्वाब है या सच, रेगिस्तान में भटके आदमी को कलर सोडा मिले जैसे लग रहा है, आहा। कहा शुभम तब, इसे आपके लिए ही सरकार वाले बनाए पिताजी, मैं और माँ आपके साथ ही रहने के लिए स्पेशल परमिशन भी लिए, अब से आपको किसी और जेल में रहने की जरूरत नहीं है, ये जेल नहीं है मगर एक जेल जैसा रेस्टोरेंट है, अब से हम यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर आने वाले ग्राहक भी जेल ड्रेस पहन कर ही आएंगे, ग्राहकों को आप खैदी के जैसे सर्व किए तो बस है कहकर सरकार वाले बोले थे, अब से आप ही इस जेल रेस्टोरेंट के इंचार्ज हैं पिताजी, ओपनिंग करो पिताजी। कहा चोपड़ा तब, आहा, तुमने कितनी खुशखबरी सुनाई है रे, देखे ना सरकार वाले हमारे जैसे सीनियर खैदियों को कितनी इज्जत दे रहे हैं, कहकर रिबन को कट करके अंदर गया। बाद में उसकी माँ, वाह बहुत अच्छा आइडिया है रे शुभम, तुम्हारे पिताजी की ख्वाहिश भी पूरी हुई और गांव वालों के लिए एक नया थीम रेस्टोरेंट भी मिल गया। बोली तब से चोपड़ा उस रेस्टोरेंट में दुगनी फुर्ती के साथ काम करने लगा। वहाँ के सारे काम काज वही देखने लगा। ग्राहकों को अपने जेल की जिंदगी के बारे में बताते हुए हंसते हंसाते हुए खुशी से रहने लगा। ये देखकर उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश होने लगे।